हेलो बच्चों, आज बेटा हम सेट पाँच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो बेटा संयुक्त लेंस की हमें इसमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो एफ वन कितना था एफ, और अवतल लेंस था तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में। तो माइनस में तो एफ़ टू बराबर माइनस टू एफ। अब एफ हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। एफ वन कितना है एफ, और एफ टू कितना है टू एफ। टू एफ और एफ का एलसीएम कितना हो जाएगा टू एफ। एफ का इसमें डिवाइड लगाएंगे, एफ से एफ कैंसिल, तो यहाँ बचेगा टू, टू एफ से टू एफ कैंसिल, यहाँ बचा वन, दो में से एक घटा देंगे तो कितना बचा बेटा एक। तो f बराबर कितना हो जाएगा 2f। तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2f, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव b के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी, यानी ग्राफ की ढलान ज्ञात करनी है। तो बेटा ढलान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो बेटा यहाँ पर ये है, ये निरोधी विभव को हमने शो किया है, यहाँ पर ये आवृत्ति शो की है, तो ये न्यू आवृत्ति है, वी निरोधी विभव हमने ग्राफ खींचा, तो हमें इसकी ढाल पूछी है। तो यहाँ थीटा ये कोण बना हुआ है, थीटा के सामने की वजह चीज, क्योंकि ये बाई एच को शो करेगा तो ये भी बाई एच को शो करेगा, तो यहाँ थीटा है, थीटा के सामने की वजह क्या होगी लंब, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आधार। टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा में होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है वी, आधार कितना है न्यू, तो बी अपॉन न्यू। और ई बराबर क्या होता है क्यू बी, ई बराबर क्यू बी, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा ई वी। तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे बेटा तो ई अपॉन ई होगा, और ई बराबर क्या होता है एच न्यू, एच न्यू, तो यहाँ से न्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई अपॉन एच, पहली चौथी कर देंगे तो ई इंटू एच अपॉन ई इंटू ई से ई कैंसिल, तो एच अपॉन ई। तो इस तरीके से बेटा ये एच अपॉन ई बचेगा, कि ई अपॉन एच बचेगा। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, एच अपॉन ई, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्रभिनत पर है। तो यहाँ पर बेटा ये चार चित्र दिए दे रखे हैं हमें। अब अग्र अभिनत में क्या होता है बेटा, अग्र अभिनत में होता है कि जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी, इस बैटरी में नेगेटिव सिरा होता है, नेगेटिव सिरा होता है, उस नेगेटिव सिरे को किससे जोड़ते हैं एन क्षेत्र से, और पी प्लस को किससे जोड़ते हैं पी क्षेत्र से। तो जब प्लस को पी क्षेत्र से और नेगेटिव को एन क्षेत्र से जोड़ते हैं तब अग्र अभिनत होती है। तो यहाँ पर भी हमें पूछ रखा है कि अग्र अभिनत कब होगी। तो देखो बेटा ये नेगेटिव, ये जो लकीर होती है ये एन प्रकार का अर्धचालक होता है, और ये जो बना होता है तीर सा ये पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो बेटा एन प्रकार का अर्धचालक किससे जुड़ा है, माइनस से, ऐसे हमने जब बताया एन प्रकार का अर्धचालक किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो जब एन प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव से जुड़ा होगा, ऐसे यहाँ पर एन प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये वाला बेटा किस पर हो जाएगा, अग्र अभिनत पर। अब यहाँ देखते हैं ये नेगेटिव और ये पी वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये अग्र अभिनत नहीं होगी। यहाँ पर भी वही स्थिति है, यह पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, दो बिंदु आवेशों के बीच बल बीच एफ न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, यदि आवेशों को के प्रवैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब वह बल क्या होगा। तो बेटा माध्यम में बल घट जाता है तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन के, क्या हो जाएगा एफ अपॉन के, देख लेते हैं। क्योंकि देखो बेटा माध्यम में वायु में बल क्या होता है, एफ बराबर वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और माध्यम में बल क्या होता है, एफ एम बराबर वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा के को छोड़कर अगर हम देखें पूरे में तो सब सिंपल है, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन के, डिवाइड लगा के निकालेंगे तो एफ अपॉन क्या हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है, कुंडली में
विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है बेटा इसने। तो तार को किसके रूप में मोड़ा है, वृत्ताकार कुंडली के रूप में। तो बेटा हमने थ्योरी में बताया था कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर। तो ये होता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल टू म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल म्यू जीरो आई अपॉन टू एल म्यू जीरो पाई अपॉन टू एल। तो यहाँ पर बेटा हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल होगा। कैसे होगा, देखो बेटा यही तो था हमारा ऑप्शन, म्यू जीरो पाई आई अपॉन एल। अब चूंकि तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, टू पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, टू पाई आर। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू जीरो पाई आई अपॉन टू पाई आर रख देंगे, ठीक है बेटा। अब दो का ऊपर मल्टीप्लाई और दो का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर। तो बेटा देखो ये वाला फॉर्मूला म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर सेम ऐसा ही म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला जो होगा यही होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि लैम्डा वन लैम्डा टू तथा लैम्डा थ्री क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य निरूपित करते हों तब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होती है सूक्ष्म तरंगों की, किसकी होती है, सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है दृश्य तरंगों का, उससे कम होता है एक्स किरणों का। तो सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्ध्य कितना है, लैम्डा थ्री। तो लैम्डा थ्री बेटा सबसे ज़्यादा है, लैम्डा थ्री सबसे ज़्यादा है। फिर दृश्य किरणों का ज़्यादा होता है तो दृश्य किरणों को कौन प्रदर्शित करता है, लैम्डा वन, तो लैम्डा वन। और सबसे कम किसका होता है, लैम्डा टू। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लैम्डा थ्री ग्रेटर लैम्डा वन, लैम्डा थ्री ग्रेटर लैम्डा वन ग्रेटर लैम्डा टू। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है सूक्ष्म तरंगों का, उससे होता है एक्स, उससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है दृश्य प्रकाश का, और सबसे कम होता है एक्स किरणों का। तो बेटा बात समझ में आ गई होगी। अगला है, हाँ, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो बेटा जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है, उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर, कैसी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि, जैसे एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर क्या किया जा सकता है बेटा, उसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो बेटा इतने क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर